अब वक्त है खास विषय पर चर्चा करने का। आज दर्शकों हम चर्चा करेंगे शनि पर और जानेंगे शशि जी से कि किन लोगों पर है शनि की साढ़े साती का हाई अलर्ट। दर्शकों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि शनि और केतु अंतरिक्ष में एक साथ हैं। शनि का जो अच्छा प्रभाव था वो भी केतु के मार्ग में बीच में खड़े होने के कारण पूरा मिल नहीं पा रहा था। दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शनि ने केतु को जो क्रॉस कर लिया है, अब शनि जिन लोगों के लिए फेवरेबल थे यानी लाभ देने वाले थे, अब उनके लिए अच्छा परिणाम देंगे। थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी तक शनि वक्री चल रहे थे, 18 तारीख को डायरेक्ट हो गए थे, लेकिन मार्ग में बीच में केतु के आने के कारण या केतु के साथ उनका जो मिलन होने के कारण थोड़ा सा उनका स्वभाव जो है वो अलग तरीके का था। शनि चूंकि सर्विस के स्वामी होते हैं और केतु उनके कामों में अड़ंगा लगा रहे थे। जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ है, ऑफिस के काम में दिन रात जुटने वाला आदमी है, तभी उसको कोई ऐसा मित्र मिल जाए या ऐसा सलाहकार मिल जाए जो आध्यात्मिक हो, पारलौकिक बातें करें, दृष्टिकोण उसका परमात्मा की ओर हो और वो मोक्ष कारक बातें करने लगे कि छोड़ो अब क्या कर्म में रखा है, कर्म त्याग की बातें करने लगे, तो काम करने में व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा यानी काम में पूरा फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से शनि देव भी मार्गी होने के बाद कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज की तारीख तक शनि देव ने केतु को 2 डिग्री पार कर लिया है, यानी थोड़ा आगे निकल गए हैं, यानी केतु और शनि की गति जो है अब विपरीत हो गई है। अब दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो अपने से दूसरी दिशा, विपरीत दिशा की ओर दिन प्रतिदिन दूर होते चले जाएंगे। दर्शकों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले यह भी स्पष्ट किया था कि केतु और शनि धनु राशि से निकल रहे हैं, वहीं से संचरण कर रहे हैं और दोनों के बीच में जो भी विरोधाभास हुआ है उसका परिणाम उस राशि को सहना पड़ा था, यानी धनु राशि वालों के लिए तनावपूर्ण समय था, ग्रहण भी यहीं पड़ा था। अब आप उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि जैसे 2 सेनाएं कहीं पर युद्ध करने लगें तो जो युद्ध क्षेत्र है वो क्षतिग्रस्त तो हो गई। दर्शकों, अब ये जो बदलाव हुआ है इससे उन लोगों को लाभ होगा जिनके शरीर, बुद्धि, कर्म, लाभ के स्वामी शनिदेव हैं, यानी पॉजिटिव जगह के अगर लॉर्ड शनिदेव हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, शनि आपके लिए हितकारी हैं, तो उनके लिए अब अच्छा है क्योंकि अब वो फ्री हो जाएंगे। वैसे इस बदलाव का सभी राशियों पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं कि किस राशि वालों को क्या क्या लाभ होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट में जो केतु से शनि का आगे निकलने का जो असर है वो ये होगा कि ऑफिस में बहुत मन लगेगा और इन लोगों को भी अब अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी काम करने में मन नहीं लग रहा था अब वो चीज़ें बदल जाएंगी, अब मन लगा के काम करिए। वृष राशि वालों के लिए तो अब किस्मत बनना शुरू होगी, यानी अब आपने मेहनत करनी है और यही कर्म जो संचित होंगे, यही संचित कर्म ही आपके लिए किस्मत बनेंगे, भाग्य बनेंगे और मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थीं, बीमारी कुछ बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन दिमाग में एक टेंशन थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक उदाहरण के ले लीजिए, माने किसी को खांसी आ रही है और लगातार आती रहे तो एक मन में चिंता हो गई कि भाई खांसी क्यों आ रही है। इस तरीके की जो भी समस्याएं थीं अब वो दूर हो जाएंगी। जो वरिष्ठ लोग हैं ऑफिस में उनसे सलाह मिलेगी और लाभ हो सकता है कि अगर कोई आदमी आपको कोई अपनी वसीयत में शामिल करना चाहता है या कोई गिफ्ट देना चाहता है तो इस तरीके के लाभ होंगे। कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर कर्क राशि का जो जीवन साथी है वो कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, उनसे लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है कर्क राशि वालों को। सिंह राशि वालों के लिए जो कंपटीशन की भावना थी, जो शत्रु थे, वो अब पराजित होंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी विजय मिलेगी और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि रोग भी अब धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शनि में केवल
ईगो कम रखिए, शनि को ईगो नहीं पसंद है। कन्या राशि वालों के लिए संतान से लाभ मिलेगा, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं अच्छा रिजल्ट आएगा, बच्चे बड़े हैं तो अच्छी जॉब मिल सकती है, तो संतान से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं, खुशखबरी मिलेगी, बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। तुला राशि वालों के लिए सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी थोड़ा सा बढ़ेगी, मकान बन सकता है, अगर कोई फ्लैट बुक कराया है तो अब रजिस्ट्री हो सकती है, तो भूमि से संबंधित तो इस समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस केवल नेटवर्क पे करना है, यानी कि अब आपको अपने समाज में अपने जो व्यवहार है उसको बोना है, यानी अपना व्यवहार कमाना है आपको, और सामाजिक काम में खूब जुट जाइए, सेवा करिए गरीबों की और आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक भूमि से लाभ है, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत आपको लाभ दे सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों से संबंध विच्छेद हो गए थे वहाँ भी अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए घरेलू कामकाज करने होंगे और रुके हुए जो काम हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, पारिवारिक खुशखबरियाँ आ सकती हैं, और अगर आपका कुछ घरेलू काम पेंडिंग है, एक उदाहरण के लिए आपको घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ बनवाना है, कोई रिपेयरिंग, समय बहुत अच्छा है, अब आप शुरू हो जाइए। कुंभ राशि वालों के लिए जो स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी हेल्थ को लेकर जो इश्यूज थे वो ठीक होंगे, और ध्यान रखिए कि शनि को एक्सरसाइज बहुत पसंद है, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अब आप जिम जाके करें या घर पे ही करें, लेकिन फिजिकल कुछ करिए, कम से कम एक घंटा करिए, ताकि आपको पसीना निकलना चाहिए, शनि को पसीना निकाल के दिखाना है। मीन राशि वालों के लिए लाभ और हानि को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक बैलेंस तरीके से लाइफ को जीना है, स्थिर रहना है और समता के साथ चीज़ों को टैकल करना है, धीरे धीरे आपको लाभ मिलता जाएगा और आगे समय भी आपका अच्छा आ जाएगा।